हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी कुछ चुस्ती और फुर्ती के साथ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बैगन का भरता। बैगन का भरता देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। इस बैगन के भरते की विशेषता ये होती है कि इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और इस बैंगन के भरते को हमने खूब ज़्यादा मैश करना है और हल्की आंच में पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें डाला हुआ कुकिंग ऑयल रिलीज ना हो जाए, यानी तेल छोड़ने ना लगे, तब तक हमने इसे पकाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 साफ बैंगन ले लिए हैं। ये बैंगन देखिए, इसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है। छेद होने का मतलब है इस बैंगन में कीड़ा है। और अगर छेद नहीं है तो ये बैंगन का भरता बनाने के लिए बिल्कुल सही बैंगन है। यहाँ पर अभी मैं केवल एक ही बैंगन का भरता बनाऊंगी। ये धो लिया है, इसमें मैंने बाहर से किसी भी कुकिंग ऑयल जो आप खाते हैं उसकी कवरिंग कर लीजिए, उसका लेप लगा लीजिए। उसके बाद मैं इसके गैस की आँच में इसे भूनूंगी। यहाँ तेज मैंने आँच रखी है, आँच तेज होने से ये अंदर तक भुना जाएगा। और इसे हर तरफ से साइड में पलट पलट कर मैं भूनूंगी। देखिए, आपको भुना हुआ बैंगन दिख रहा है, ये देखिए। हर तरफ से मैं धीरे धीरे इसे, आप किसी भी बर्तन से इसे घुमा सकते हैं, करछी से, चिमटे से, और चारों तरफ से ये बैंगन भुन जाना चाहिए। ये देखिए, भूनते भूनते ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि इसका छिलका आराम से निकल जाएगा। जैसे ही हमने ये भुना, तुरंत जब अच्छी तरह से भुन जाए, हम इसे तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने से जो है, ये जो बैंगन की कवरिंग है, जो भुने हुए बैंगन की कवरिंग है, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और हम इसे हाथों से ही इसकी परतें निकाल सकते हैं। और चारों तरफ से घुमा घुमा कर पानी का टच देना है। उसके 5 मिनट बाद हम इसका छिलका निकालेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने बैंगन को छिलने के लिए रखा है। चाहे तो आप चाकू से इसका छिलका निकाल लें, लेकिन यहाँ पर ये सॉफ्ट इतना हो गया है कि मैं इसको हाथ से ही इसके छिलके निकाल दे रही हूँ। देखिए, मैंने जो इसमें ऑयल लगाया था उसी के कारण ये छिलके आराम से निकल रहे हैं और बैंगन अच्छी तरह भुन गया है। क्योंकि जब मैं इसे भून रही थी, थोड़ा थोड़ा इसमें से पानी भी रिस रहा था। वो पानी रिसने से अंदर जो है बैंगन अच्छा मुलायम हो जाता है। देखिए, मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ, कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसी तरह से निकाल के हम इस बैंगन को आगे भरता बनाने के लिए तैयार करेंगे। इसका छिलका देखिए, सॉफ्टली निकल रहा है ना। दोस्तों, बैगन मैंने अच्छी तरह छील दिया है। अब यहाँ देखिए, बैगन का कुछ पार्ट मेरा ख़राब जैसा दिख रहा था, यानी गल गया था। आजकल गर्मी बहुत है, ये गला हुआ पार्ट मैं हटा के अलग कर देती हूँ। और उसके बाद इस बैगन को मैं छोटे छोटे पीसेस में काटूँगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बैगन छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। पर टमाटर ले लिया है, मैंने टमाटर को साफ धोकर चॉप कर लिया है। ये मैंने कुछ प्याज ले लिया है और इसमें प्याज और लहसुन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और लहसुन मैंने ये चॉप कर लिया है और साथ में कुछ हरी मिर्च भी चॉप कर ली है। और ये आप थोड़ा प्याज और लहसुन टमाटर ज़्यादा मात्रा में लें, तभी हमारा बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। मसाला यहाँ मैं बहुत हल्का ले रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। फ्राई पैन मैंने गरम करने रख दिया था। अब इसमें गरम होते ही मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। सरसों के तेल में ही मैंने जीरा और हींग का तड़का लगा दिया। जीरा हींग तड़कने लग जाएगा तब हम उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। लहसुन हरी मिर्च के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज के भूरे होने तक का, यानी हल्का गोल्डन होने तक का इंतज़ार करेंगे।
इसको हिला हिला कर हम पकाएंगे। जब ये हल्का ब्राउनिश कलर का हो जाता है उसके बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और कटा हुआ टमाटर भी हम हल्की आंच में भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि जब तक कि ये अच्छी तरह से तेल रिलीज ना कर दे। बस अब हम इसमें ये जो हल्के मसाले लिए हैं हल्दी मिर्च और नमक इसको भी हम मिला देते हैं और हल्की आंच में इसको पकाते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल रिलीज ना कर दे। देखिए भूनते भूनते देखिए ये मिक्सचर अब तेल रिलीज करने लग गया है। जैसे ही तेल रिलीज होगा हम इसमें कटा हुआ बैगन डाल देंगे भरता बनाने के लिए। धीरे धीरे हिलाते हिलाते हम इस सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर उसमें कोई वेट रख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पानी का बाउल रखा है और इस पानी के कटोरा रखने से ये थोड़ा हैवी हो जाता है और जल्दी हमारा भरता बनकर तैयार होता है। इसको मैंने हल्की आंच में कम से कम 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला तो इसके बाद मैंने यहाँ कश्मीरी मिर्च भी डाल दी है। कश्मीरी मिर्च से तीखापन तो नहीं लगता है लेकिन स्वाद और जो इसकी दिखावट होती है यानी ये दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है, वही बात यहाँ पर है। अगर हम होटलों में जाते हैं तो वहाँ कश्मीरी मिर्ची डली होती है, हमें हमारी भरते को देखकर लार टपकने लग जाती है। ये वही भरता है, केवल मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। ये कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च तीखी डाली है और मैंने मामूली से इसमें मसाले डाले हैं। यही मसाले इसके स्वाद को बढ़ाएंगे। दोस्तों मसाले से स्वाद नहीं बनता है। अगर आप जो भी भरता बनाएं उसे मन से बनाएं। अगर आपका मन मरता है तो भरता कैसे बनता है। तो दोस्तों इस तरह का भरता बनाइए। देखिए तेल रिलीज होने लग गया है और इसका मतलब हमारा भरता बनकर तैयार है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर दूँगी यानी इसको पेस्ट बना दूंगी। इसे आप पेस्ट किसी भी तरह से बना दीजिए। भरता कूट कूट के यहाँ पर मैंने सर्व करने के लिए तैयार है। कितना सुंदर भरता बन रखा है देखिए आप। इसे आप खाइए और खिलाइए और इसी तरह से आप भरता बनाइए। मैं गारंटी देती हूँ आपको ये बैगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ इस बैगन के भरते का टेक्सचर कैसा है। ये बैगन के भरते का टेक्सचर बहुत ही लाजवाब है। देखिए ये चम्मच से मैं आपको नज़दीक से थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया दिख रहा है। आपको ये बिल्कुल मैश करा हुआ भरता अगर आप घर में बनाएंगे तो आप फिर कहीं नहीं जाएंगे। आप इसके साथ भरपेट रोटी पराठे खूब छक्कर खाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर कर दीजिए।